वेरी गुड मॉर्निंग और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और आज जो है मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ पफ पेस्ट्री. मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई तो ये मेरा ट्रायल है आज. तो सब कुछ मैंने प्रिपेयर करके रखा है, बनाते हैं. तो सुबह जल्दी ही जो है मैंने डो प्रिपेयर कर दिया था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शीट प्रिपेयर करने के लिए. तो यहाँ पे मैंने एक कप जो है मैदा लिया है और यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और बटर लिया है मैंने. बहुत ही ज़्यादा मेल्टेड बटर नहीं लेना है और बस इसको मैंने जो है अच्छे से आटे में मिला लिया है मैदे में. और ये जो है मैंने यूट्यूब पे ही एक रेसिपी देखी थी उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा ये फर्स्ट टाइम है. तो और थोड़ा सा ही पानी मिलाना है, डो जो है वो मतलब सख्त रखना है. तो फटाफट से जो है डो रेडी हो गया है. अब इसको जो है मैं 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दूँगी. तो बस डो को जो है मैंने प्रिपेयर कर दिया है, अब रेस्ट करने के लिए मैं रखूँगी फॉर 20 मिनट. एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए आज जो मैं बना तो रही हूँ बट आई डोंट नो टाइम पे बनेगा या नहीं. सो आफ्टर हाफ एन आवर जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट और मतलब परफेक्ट हो गया है. तो बस अब इसको जो है मैं शीट बनाने के लिए प्रिपेयर कर दूँगी, स्टार्ट कर दूँगी. तो यहाँ से मैंने ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और फिर जो है मैं उसको रोल करूँगी और पहले एक शीट बनाऊँगी. और जैसे ही शीट रेडी हो जाएगी उसमें जो है बटर मिला के उसको अच्छे से फोल्ड करके एक और शीट प्रिपेयर कर दूँगी. और यहाँ पे जो है मैंने क्या गलती की थी कि जैसे ही ये मैंने फोल्ड किया मुझे एक्चुअली रोल नहीं करना चाहिए था, इसको फोल्ड करके अच्छे से पहले उसको फ्रीज़ कर देना था ताकि बटर जो है वो सख्त हो जाए. यहाँ पे मैंने वही गलती की, जैसे ही मैंने रोल किया जो बटर है वो सारा बाहर निकलने लगा. तो अगर आप बना रहे तो ये गलती मत करना कि पहले जो है इसको अच्छे से फ्रीज़र में रेस्ट करने के लिए रखें ताकि बटर जो है वो सख्त हो जाए और फिर आप रोल करना स्टार्ट करना. और ये मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ कि बटर जो है वो बाहर निकल रहा था और पता नहीं मैंने क्या किया, इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया. तो इससे होता क्या है कि जो मतलब लेयर्स अच्छे से बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं. तो वो मेरी गलती थी यहाँ पे. तो बस अब इसको जो है पता नहीं मैंने कैसे करके इसको फोल्ड और कितने लेयर्स बनाए हैं. तो इसको मैं रेस्ट करने के लिए रखूँगी फ्रीज़र में. तो बटर को जो है मैंने लगा के पता नहीं क्या हुआ बट बटर जो है वो थोड़ा सा मेरा बाहर निकल रहा था. तो इसको मैंने सेट करने के लिए फ्रीज़र में डाला है अभी. और इसकी जो है मैंने 3-4 बार जो है इसको निकाल के फिर रोल किया, निकाल के फिर रोल किया. तो ये अभी लास्ट टाइम है. और यहाँ पे जो है मैंने
मटर और आलू दोनों बॉईल करके रखे हैं, तो क्विकली जो है मैं इसकी जो स्टफिंग है वो रेडी कर दूंगी, और रेहू के लिए जो है थोड़ा सा पुलाव भी बना दूंगी इसके साथ। और 12:30 बज गए हैं अभी, तो रीदा का भी जो है लंच बनाना बाकी है, उसका भी अलग सूजी का पॉरिज बनेगा। तो पहले तो किचन में थोड़ा सा जो है फैला हुआ है वो समेट लूँ, उसके बाद क्विकली सब कुछ रेडी कर देती हूँ। जस्ट उसको प्री हीट कर लेती हूँ 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। तो वही सेम प्रोसेस जो है मैंने 3 से 4 बार जो है रिपीट किया है कि बाहर निकालना, फिर अगेन रोल करना, फोल्ड करना और अगेन उसको फ्रीज़र में फ्रीज करने के लिए रखना रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं लास्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त रीदा मतलब थी तो मैं पूरा शूट भी नहीं कर पाई कि मैंने मसाला रेडी किया फिर उसको फिल किया, वो कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि साथ में रीदा को भी संभालना है। तो बस यहाँ पे जो है लास्ट टाइम मेरी शीट रेडी हो रही है। तो उसको जो है अच्छे से मैंने शेप दे दिया। और यहाँ पे जो है मैंने फीलिंग भी उसमें डाल के रेडी कर दिया, और बस जो बचे थे वो मैंने अलग से मतलब जो डो बाहर निकला था वो अलग से उसी में रख दिया ताकि अच्छी क्रंचीनेस आए, और बस उसको ओवन में रख दिया। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आई गेस 40 to 50 मिनट्स लगे मुझे बेक करने में, एंड फाइनली ये रेडी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बस क्योंकि मेरी गलती की वजह से जो लेयर्स अच्छे से बनने चाहिए वो नहीं बने थे, अदरवाइज़ सब कुछ अच्छा था। और फिर जो है मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट संडे को, जो कि हम अपने जो पुराना वाला घर है वहाँ पे गए थे संडे स्पेंड करने के लिए। तो ये उसी की जो है क्लिप्स है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। Oh,
मैं सर्विस करो चलो।